नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर रजक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भोपाल से। आज मैं आपको ये गोल्ड आया है मेरे पास, गोल्ड 97 का ये गोल्ड आया है। ये बैकलाइट ड्राइवर है, ये चलो ये भी है बैकलाइट ड्राइवर, परंतु इसमें मेरे पास ये वीडियो कॉन का सेट आया 32 इंची। इसमें बार बार स्ट्रेप खराब हो रहे हैं और ये बोर्ड भी ख़राब हो जाता है। ये जिस चीज़ ने भी लगाया ये ख़राब हो गया, क्योंकि बात ये है, ख़राब होने का कारण ये है कि ये जो बोर्ड है ये 12 वोल्ट में काम करता है और ये जो है 97 जो है गोल्ड, ये बोर्ड जो है 24 में काम करता है, 24 वोल्ट पे। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये लिखा है 24 वोल्ट पर ये अच्छा काम करता है। और इसके मदरबोर्ड में जो वीडियो कॉन का ये मदरबोर्ड है, इसमें 24 वोल्ट आते हैं सप्लाई, तो 24 वोल्ट पर लगाने के लिए ये सबसे सफिशिएंट है, बहुत अच्छा बोर्ड है। तो देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। देखिए इसमें ये सारी की सारी स्ट्रेप ख़राब हो गई है बैक लाइट की, तो सबसे पहले तो मैं स्ट्रेप बदलता हूँ, इसके बाद इसको लगाने के तरीके बताऊंगा किस तरीके से इसको लगाऊंगा। ये खराब है, इस तरीके से आती है, एक मैं ये लगा चुका हूँ ये वाला, और ये अभी दो और स्टेप हैं जो बदलना है मेरे को, ये बदल चुका हूँ, एक दो और बदलना है इसकी, ये बदल के इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए ये मैंने सीरीज में कनेक्शन कर दिया, ये माइनस निकल गया, इसका प्लस ये इसके माइनस पे गया और इसका ये प्लस इसके माइनस पे, ये दोनों वायर निकले अपने प्लस प्लस के। अब इस पे वोल्टेज नापते हैं अपन। देखिए ये है, यहाँ पर मैंने लगाया ये बैकलाइट टेस्टर, ये देखिए चालू है, LED चालू हो गई है, सीरीज में इसके कनेक्शन हो गए। अब ये भी पता करना है, अपन को याद करना है कि कितने वोल्टेज ड्राप कर रहा है, कितने वोल्टेज, इसके लिए क्या करेंगे, इसको DC पे लगाना है। देखिए मीटर में, मीटर के DC पे लगा दिया, ये आ रहा है 68 वोल्ट पर ये काम कर रहा है ये LED, तो इसके लिए अपन को 68 वोल्टेज लेना है। ठीक है, ये अपन ने नाप के देख लिए कि मीटर में कितने वोल्टेज आ रहा है, ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद ये वायर बाहर निकालते हैं। देखिए मैंने ये दो वायर निकाल दिए इसके बैक लाइट के, आपको बोला था एक छोटा वाला वायर वाइट कलर का, रेड वाला वायर, ये दो वायर निकाल दिए, ये इसमें पहले से ये लगा हुआ है, ये मैंने आपको बताया था भी। अब इसकी जगह पे ये लगाते हैं, इसमें देखिएगा, इसको मैंने खुल के रखा है, आपका टाइम वेस्टेज ना हो। ये जो वायर जो है इनेबल का वायर है, ठीक है, ये आया है इस पर इनेबल ऑन ऑफ पर, ये सप्लाई का वायर है और ये जो ग्राउंड है, तो सेम ये कनेक्शन इसमें भी करना है, अलग से कुछ नहीं करना है आपको, ये दिया हुआ है इसमें पूरा, ये इसमें दिया हुआ है। देखिए आप सबसे पहले ये वायर निकालते हैं, ये ऑरेंज वायर जो है वो सप्लाई है, येलो वायर जो है और ये ग्राउंड है, ये निकाल दिए, ये तीनों वायर वापस आ गए। अब ये वायर जो है मैं 24 वोल्ट पर दे रहा हूँ सप्लाई पे, 24 वोल्ट ये दिए, देखिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये 24 वोल्ट सप्लाई दे दी मैंने। अब येलो वायर मैंने आपको बताया था अभी वो इनेबल का है, इनेबल किधर है, ये दिया है इनेबल, ये दूसरे नंबर का, नीचे से दूसरे नंबर का ये लगा दिया। अब ये बचा ग्राउंड, इसमें ग्राउंड किधर है, ये पूरा ग्राउंड दिए हैं, ये ग्राउंड में लगा दिए हैं, ये ग्राउंड पे हो गया, ये हो गए अपने तीनों वायर कंप्लीट। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको कस देता हूँ, देखिए इस बोर्ड को मैं यहाँ पर कस रहा हूँ, कभी भी हो काम ख़त्म करने के बाद कसना जरूरी है,
क्योंकि ये खुला रहेगा तो कहीं शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है, सप्लाई ख़राब हो सकती है, इसलिए इसको टाइट जरूर कर दें। अब मैंने ये उठा के टाइट कर दिया, बाकी की बाद में कस दूँगा। ये कंप्लीट हो गया। अब ये वायर बचे, एक ये वायर और एक वायर ये छोटा वायर है, इसको बड़ा कर लेते हैं। इसी में से एक वायर ये मैं बड़ा कर देता हूँ, ये ब्राउन कलर का वायर जो है वो लगा देता हूँ, ये इसमें जोड़ देता हूँ। देखिए ये हो गया अपने बड़े वायर। टेपिंग करते जाइएगा कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए ध्यान रखें। ये हो गया कनेक्शन। अब इसके लिए इस पर जोड़ देंगे वायर को, ये ग्राउंड है। इस पर ग्राउंड रहना है इसको, ठीक है। तो ये जो है इसकी, देखिए इसमें ग्राउंड भी दिए हुए हैं, अपन कहीं अलग से जान करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ आ गए, ये पॉजिटिव सप्लाई है, पहले पॉजिटिव लगा देते हैं। ये पॉजिटिव ये सप्लाई है, प्लस सप्लाई। ये जोड़ दी। अब बच्चा माइनस, तो माइनस पे जोड़ देते हैं माइनस को। तो हाँ गया ये, देखिए ये सभी माइनस पे चल रही हैं। ये माइनस पे लगा दिए अपन ने, ये पूरा माइनस है, तो माइनस पे जोड़ देते हैं। ये जो है ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। ये लगा दिया, अब इसको चेक करना है। तो ये कंप्लीट हो गया, यही रख देते हैं। अब देखिए ये मैं इसको लगाया, ये मैंने लगा दिया। अब इसको चालू करके देखते हैं इसका। हाँ देखिए ये मैंने लगा दिया, ये आ गया इसके, देखिए ये चालू हो गया। इसे ऑन किया, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे ये ऑन हो गया। देखिए यहाँ देख लीजिए, इसको उठा के दिखाते हैं। देखिए ये चालू हो गया। अभी मैंने नापा था यहाँ पर कितने वोल्टेज आ रहे थे, अभी वोल्टेज फिर ना रहे थे। ये देखिए माइनस प्लस पे वोल्टेज नापते हैं, ये देखिए अभी इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है, 75.2 वोल्ट। यानी ये 8-10 वोल्टेज ज़्यादा कम हो सकते हैं। यदि ब्राइटनेस कम हो रही है तो यहाँ से ये देखो ये दिए हुए, तो यहाँ से ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। इसको शॉर्ट करने से क्या होगा, वोल्टेज बढ़ जाएंगे। जैसे हम इसको इस पर जोड़ेंगे वोल्टेज बढ़ जाएंगे। ज़्यादा वोल्टेज देने से एलईडी बार बार ख़राब होगी, स्ट्रिप बार बार ख़राब होगी। इसलिए जितना वोल्टेज पहले ड्रॉप हो रहा था उतने ही वोल्टेज ड्रॉप करना है। और इस मॉस्फेट में हाथ लगा के देखें, ये गर्म हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। देखिए किसी प्रकार का कोई चीज़ गर्म नहीं हो रही इसकी, इसका मतलब ये सही काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, ठीक है। अब इसके आगे बताते हैं। देखिए मैंने प्लग लगाया, पैनल टाइट कर दिया मैंने ही। ये आ गई एलईडी, ये देखिए अब देखते हैं क्या हो रहा है। लगा दिया, ये आ गया AV2। देखिए AV2 पे लगाता हूँ, ये हो गया कंप्लीट TV वीडियो कॉन, ये कंप्लीट हो गया। तो
आपको ये समझ में आ गया होगा, 24 वोल्ट का अलग से बैकलाइट ड्राइवर आता है, वोल्ट 97 याद रखिएगा। आशा है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए या शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।